नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में। मैं ब्रजेश एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने ट्रांसपोर्ट के किसी नए मुद्दे पर बातचीत के लिए। अभी तक आपने सुना होगा कि पावर बैंक यानी एक पावर बैंक से कई बार कई मोबाइल चार्ज हो जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई व्हीकल या ऐसा कोई वाहन हो जो कुछ ऐसा ही काम करता हो तो शायद आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी। जी हाँ, लेकिन ये बिल्कुल सही है। आइए हम आपको खबर की तरफ लेकर चलते हैं। और क्या है ये तकनीक, कौन से ट्रक या कौन सी गाड़ी या कौन सी कार ऐसा कुछ कर रही है, कौन सी कंपनी है जो इस सब में ऐसा कुछ नई तकनीक लेकर आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, जिससे आपके पास आती रहे इस तरह की महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग खबरें। पावर शेयरिंग टेक्नोलॉजी अब सिर्फ मोबाइल के पावर बैंक तक सीमित नहीं रह गई है। अमेरिकन कंपनी रिवियन में अपने इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक R1T में व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग फीचर दिया है। कंपनी का मानना है कि इस तकनीक से एक पिकअप ट्रक से दूसरे इलेक्ट्रिक ट्रक से पावर शेयर किया जा सकेगा। कंपनी के मुताबिक कार में 110 वोल्ट के 3 पावर आउटलेट दिए गए हैं। इन पावर आउटलेट की मदद से ट्रक की बैटरी को दूसरे डिवाइस चार्ज करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही ट्रक में बिल्ट इन कंप्रेस्ड एयर सोर्स भी है, जिससे बाइक के टायरों में हवा भी भरी जा सकती है। रिवियन के CEO RJ स्कॉरिंज ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने एक ऐसा व्हीकल डिजाइन किया है जिसमें आप सहायक बैटरी पैक को लेकर चल सकते हैं। यह आपको रिवियन टू रिवियन व्हीकल चार्ज करने की अनुमति देता है, जो साफ सुथरी प्रक्रिया है। आपको टू व्हीकल को आपस में कनेक्ट करना होगा। मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूंगा जो आपको मंजिल तक ले जाएंगे। आप इसे ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां चार्जिंग की कोई सुविधा नहीं है। यानी अगर व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग हो रही है तो निश्चित रूप से इन फ्यूचर जो वाहनों जो इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रक्रिया की बात की जा रही है कि भारत में 2030 तक सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक किया जाएगा, तो उसमें एक बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि चार्जिंग पावर चार्जिंग स्टेशन लगाने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक वो नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सफल होना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि गाड़ी चार्ज नहीं होगी तो चल नहीं पाएगी, गाड़ी नहीं चल पाएगी तो जो उसको चलाने वाले उनको निश्चित रूप से दिक्कतें होंगी।